गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और प्रीवियस क्लास में हमने आरसीसी का लेक्चर वन किया था, आज हम लेक्चर नंबर टू करेंगे। इसमें भी हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा लाइट का इशू है यहाँ पे, अभी लाइट आई हुई नहीं है तो हमने वैसे लाइट लगा रखी है, तो मैं कुछ ज्यादा ही गोरा दिख रहा हूँ आप सभी को। हाँ चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आरसीसी की जो फर्स्ट क्लास थी वो आप सबने देखी थी, दो दिन बीच में गैप हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आज हम काफी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। ये आपका बैच चल रहा है सचिन जेई प्री 2021, जो आपका सेकंड बैच है। एक बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड बैच है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। ये डीडीजी का बैच चल रहा है, आप ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल कोर्सेज बैच भी है, मान लो कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप किसी एक सब्जेक्ट को भी खरीद सकते हैं, वो आपका एब एग्जाम की वेबसाइट से या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी इसको कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो आप देंगे जल्दी से। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बता दीजिए एक बार। हाउ टू वी रिप्रेजेंट द शेयर स्ट्रेस? ऑप्शन ए शियर फोर्स बाय द लीवर आर्म इनटू विड्थ, लीवर आर्म डिवाइड बाय द शियर फोर्स, विड्थ लीवर आर्म एंड द शियर फोर्स, नन ऑफ दीस। पता है कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? जब भी हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हाउ टू वी डील ऑफ दिस, अब देखो क्या होता है। जो बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं, आपने एक टाउ भी पढ़ा होगा। टाउ भी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ये आपकी नॉमिनल शियर स्ट्रेस होती है, जिसको हम बी यू बाय बी इंटू डी लिखते हैं, जहां पे बी विड्थ है और जो डी है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है। ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ। और ठीक है, ये आपका शियर फोर्स है, बट दिस इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। जो टाउ सी मैक्स है, वो किस पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पे डिपेंड करती है? क्या वो आपकी 0.63 रूट एफ सी के पे डिपेंड नहीं करती? यदि आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो किसकी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। लाइट नहीं है यार, नहीं है लाइट, अभी लाइट नहीं है, आ जाएगी वैसे, पर कोई बात नहीं, क्लास लेते हैं। तो टाउ सी मैक्स की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0.63 रूट एफ सी के होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हम इस पे काम करते हैं। और इस टाउ सी मैक्स की वजह से कौन से टाइप का फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, उसको हम बोलते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। तो जो इसका आंसर ए दे रहे हैं वो गलत है, डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब भी हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम 0.63 रूट एफ सी के फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ शियर फोर्स। ये तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस को स्पेसिफाइड करेगा किसी पॉइंट पे, दैट इज नॉट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब बात कर लेते, चलो इतनी बात आई है। तो डिफरेंट टाइप के फेलियर होते हैं, ठीक है, शियर फेलियर इन अ बीम कौन कौन से होते हैं? शियर फेलियर, ठीक है, या आपकी बीम के अंदर बॉन्ड की वजह से जो फेलियर होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो आप नाम सुना होगा, एक हम बोलते हैं डायगोनल टेंशन फेलियर। नाम सुना है?
एक मेरे पास होता है कौन सा फ्लेक्सर, फ्लेक्सर फेलियर। एक होता है मेरे पास डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, डायगोनल कंप्रेशन ये आपने पढ़े होंगे, पढ़े नहीं पढ़े, सबने पढ़े होंगे। अब जो बताओ मुझे जो डायगोनल टेंशन फेलियर है वो कब होता है, वो तब होता है जब आपका शियर फोर्स ज्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट कम होगा, और यहां पे जो आपके क्रैक बनेंगे, ये आपका ये मेंबर है और यहां पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, तो इसमें जो क्रैक बनने स्टार्ट होते हैं वो ऐसे बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दैट इज अ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्या होगा 45 डिग्री के यहां पे आपके क्रैक बनने स्टार्ट होंगे जहां पे शियर फोर्स ज्यादा होगा। शियर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम यहां पे, लेकिन ऊपर से कन्फाइनमेंट मिलने की वजह से यहां पे क्रैक नहीं बन पाते, और जब क्रैक नहीं बन पाते तो दिस इज अलाउड डायरेक्शन डी, डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, इसलिए बोलते हैं यहां पे क्रैक बनेंगे। दूसरा हम बात करते हैं फ्लेक्सुलर फेलियर कौन से होते हैं, जो फ्लेक्सुलर क्रैक कौन से होते हैं, जहां पे शियर फोर्स तो जीरो होगा लेकिन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, वहां पे ये क्रैक बनते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना नहीं सुना, सुना होगा। वो कौन से होते हैं, वो ये होते हैं कि यदि मेरे पास ये मेंबर है और इसमें आपके पास यहां पे लगा हुआ है, तो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे आपको ये क्रैक दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सुलर फेलियर, ठीक है, फ्लेक्सुलर क्रैक। अब बात आती है कि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर कौन सा होता है। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में यदि मैं आपके मेंबर पे शियर स्ट्रेस ऐड करा रहा हूं ऐसे और ऐसे, और ऐसे ऐड करा रहा हूं, ऐसे ऐड करा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ इस मेंबर पे यदि इस मेंबर को मैं ऐसे खींचू ऊपर की साइड और इसको ऐसे खींचू उसकी साइड, तो इस वाले मेंबर पे यहां पे क्या होगा, यहां पे तो टेंशन होगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे कंप्रेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कैसे हो गया ये कुछ नहीं है, आपके पास ये मेंबर है, दिस इज योर मेंबर, आपने इस मेंबर को यहां से खींचा ऐसे, तो क्या होगा इस वाले पार्ट में टेंशन आएगा और इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाला, इसके अंदर कंप्रेशन आएगा और उस कंप्रेशन की वजह से आपका मेंबर कंप्रेशन में फेल हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड द डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। जब भी आपके टाउ की वैल्यू इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, तो आपके आपके पास क्या हो सकता है, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होगा, और फिर हम उसके लिए डिजाइन नहीं करते हैं, हम आपके सेक्शन को रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए, किसी भी केस में आपकी टाउ की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बात समझ सभी को, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, पूरी कहानी में समझा दी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हां क्रशिंग हो जाती है कॉन्क्रीट। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट बोला गया आपसे पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द बेंट अप बार एट द सपोर्ट रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, द बेंट अप बार एट द सपोर्ट रेजिस्ट द शियरिंग फोर्स, द बेंडिंग ऑफ बार्स नियर द सपोर्ट जनरली आर 45 डिग्री, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। वाह वाह कर दिया, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बीच में देता चलूंगा, ठीक है, बस आपको ग्लास में बने रहना है, सपोर्ट करना है, ओके बताओ आंसर क्या है इसका। तो आपको पता है जो बेंट अप बार है वो आपके शियर को रेजिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो आपकी मेन बार होती है ना, ये जो मान लो ये सेक्शन है आपके पास और ये आपकी मेन बार है, इस मेन बार को हम ऊपर जाके ऐसे बेंट कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, या फिर हम सेक्शन को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये भी क्या है, ये भी तो आपकी बेंट अप बार ही है, तो ये जो हमने बेंट किया ये आपकी मेन बार को ही बेंट अप किया जाता है, जो शियर को रजिस्ट करेंगे, किसको रजिस्ट करेंगी, शियर को रजिस्ट करती है, पर मैंने आपको बताया था ये मेंबर आपके 50% से ज्यादा शियर को रजिस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम इनको ज्यादा इसको हमेशा हम अवॉइड करते हैं कि इसको मत यूज करो, किसी और को यूज कर लो, है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन तो बेंड अप बार है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है सपोर्ट पे, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, द बेंड अप बार सपोर्ट रेजिस्ट द शियरिंग फोर्स, हां जी शियर के लिए तो बना रहे हैं स्टीरअप्स, द बेंडिंग मोमेंट बार नियर द सपोर्ट इज जनरली 45 डिग्री, यहां पे जो क्रैक बनेंगे वो 45 डिग्री से बनेंगे, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमको बेंड अप बार 45 डिग्री के एंगल पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा, ये भी बी है, ये भी बी है, वाह 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 वाह, डी डी है,
द बेंडिंग मोमेंट, ये भी सही है. तो ऑल ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो बेंड अप बार के पूरे बारे में मैं पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, तो ज्यादा नहीं बताएंगे हम इसके बारे में. चलिए, द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन द रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन, बताइए. ठीक है, मैं कुछ चीजें लिख के भी लाया हूं आज जो मुझे आपको बतानी है. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं आपको. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को. जिसकी मैं गुड इवनिंग नहीं ले पाया उसके लिए माफी चाहेंगे. बेंट अप बार रेंडमली यूज करते हैं. देखो, बेंट अप बार को रेंडमली यूज करने का मतलब ये नहीं होता, जब भी आपका सेक्शन छोटा है आप अलग से स्टेप्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, मेन बार को ही कंप्रेशन के साइड में मोड़ देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द बेंट अप बार. बोलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का. द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन द रेनफोर्स. देखो क्या होता है, एक होता है टाउ वी, एक होता है टाउ सी, एक होता है टाउ सी मैक्स. तो जो ये टाउ सी है ना, इसी को हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं. दिस इज द शियर स्ट्रेस एंड डिजाइन शियर स्ट्रेस. और ये क्या करता है, ये है ना, ये आपके एफ सी के पे डिपेंड करता है और ये आपके ए एस टी पे डिपेंड करता है. ए एस टी क्या है, ए एस टी आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है. लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड किया, आप आईएस कोड में जाएंगे तो उस आईएस कोड में आपको लिखा होगा, एक बड़ा सा फॉर्म लिखते हैं वो 0.85 अंडर रूट 0.8 अंडर रूट 0.5 बीटा करके कुछ फॉर्मुला होता है. वो फॉर्मुला हमारे काम का नहीं है, बट आपको समझना ये है कि उसमें जो ये टाउ सी आता है वो आपके एफ सी के पे डिपेंड करता है और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन सही है. बी परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट डिपेंड करेगा, हाँ जी. कैटेसिस स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ना 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 ना. ठीक है, या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलो स्टील की. कैटेसिस स्ट्रेंथ क्या होती है स्टील की. ओके, तो आंसर क्या है इसका, आंसर ए एंड बी आर करेक्ट है एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इन द आरसीसी बीम. पहले ये तो पढ़ लो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर क्वेश्चन पूछो पुनीत जी. ठीक है, फिर जो आगे पढ़ाएंगे उस पर भी क्वेश्चन पूछना. द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए एस वी बाय बी इंटू एस वी इज इक्वल्स टू 0.4 बाय 0.87 एफ वाई. ये क्या होता है, ये आपका मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है एज पर द आईएस कोड रिकमेंडेशन. आईएस कोड रिकमेंडेशन के हिसाब से हम इस पे काम करते हैं. अब देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इसमें क्या करूं, एएसबी बाय बी इनटू डी कर दूं, तो क्या ये आपका 0.4 एसबी और मैंने डी कराना है यहां पे डी इनटू 0.87 एफवाई, ये हो जाएगा. ठीक है, अब यदि मैं परसेंटेज की बात करूं तो एएसबी बाय बी इनटू डी इंटू 100 कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 100 इंटू एस वी डिवाइडेड बाई डी इंटू 0.87 एफ वाई. यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 45 कुछ आएगा, 45 एस बी अपॉन एफ वाई इंटू डी. ये जो एफ वाई है ये हमने 0.87 एफ वाई की जगह इस 0.87 को हमने डिवाइड दे दिया यहाँ पे 0.4 से, तो ये एफ वाई इंटू डी हो जाएगा. तो यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे यहां पे, जीरो पॉइंट एट फाइव. अरे हाँ निकम्मो, ए वाला किस पे होता है, ए वाला तो बीम में होता है बेटा. हाउ यू डील विद दिस, बीम पे होता है ये. तो आंसर क्या होगा, 40 एस वी बाई एफ इंटू डी पे काम कर सकते हैं एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डी आपका बहुमूल्य उत्तर है, जो मोस्ट एवरेट होगा उस पर काम कर सकते हैं. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे. अब ये किसने नहीं करा ना उसको हम पर्सनली पीटेंगे वहां जाके. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, द डायगोनल टेंशन इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम. जो डायगोनल टेंशन की हम बात करते हैं रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम में, इस मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में आपसे. ठीक है, ये क्वेश्चन आया, बताओ आंसर क्या है इसका. Remains constant throughout the depth. ओ भाई साहब, क्या आंसर दिया है इन्होंने, बताओ आंसर क्या है इसका. तो आपको पता है जब हम डायगोनल टेंशन की बात करते हैं तो डायगोनल टेंशन में रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम में हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, द डायगोनल टेंशन इन द रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम कहां पे मैक्सिमम होता है. आपको पता है कि यदि मैं क्रैक बने तो ये जो क्रैक है ये 45 डिग्री के एंगल फ्रॉम द सपोर्ट से स्टार्ट हो जाते हैं.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कन्फाइनमेंट है, यहाँ पे कोई भी आपका शेयर फेलियर होगा नहीं, तो डायनल टेंशन होने की जरूरत नहीं है। इनको रोकने के लिए हम ऐसे आपकी वर्टिकल स्टीरअप को यूज करते हैं, वी आर यूज द वर्टिकल स्टीरअप, ठीक है, टू काउंटरैक्ट दिस वैल्यूज। इसको रोकने के लिए हमने वर्टिकल स्टीरअप को यूज किया, ठीक। अब मुझे बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा या फिर आपका सी होगा, जल्दी बोलो कि द मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस, क्या आपका डायगोनल टेंशन न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, या फिर ऐसा बोलूं मैं कि ये जो क्रैक है ये यहां से स्टार्ट हुए, यहां पे ज्यादा होंगे, यहां पे आपके छोटे होंगे। तो मतलब ऐसा बोलूं कि यदि ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है तो इससे नीचे वाले जो क्रैक है वो बड़े हैं और जो इससे ऊपर वाले क्रैक है वो छोटे हैं, इसे स्मॉल क्रैक, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, जो आपके क्रैक हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि कहां पे बन रहे हैं, यहां पे बन रहे हैं जहां पे टेंशन है, टेंशन क्रैक है तो टेंशन पे डेवलप होंगे, एंड दिस इज डिक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस। जैसे आप ऊपर जाएंगे वहां पे कन्फाइनमेंट मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी जो कॉन्क्रीट है वो कंप्रेशन में है, तो वहां पे क्रैक बनने के चांसेस काफी कम होंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा यहाँ पे सी, एंड सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फैक्टर लोड एट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर द डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एज पर द आईएस 456 एज रिस्पेक्टिवली, बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें। अब देखो क्या होता है, जब हम फैक्टर लोड की बात करते हैं ना, तो फैक्टर लोड डिपेंड करता है कि आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे बात कर रहे हैं या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, समझ लो। दो चीज होती है, समझाता हूं मैं एक बार, दो चीज होती है, को बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे काम करते हैं, और एक आपका होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी पे काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर लिए जाते हैं आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, कौन कौन से, जहां पे आपकी बैंडिंग हुई है, ठीक है, जहां पे आपका शीयर हुआ है, ये ले जाते हैं। क्या मुझे बताओ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में टोरोजन भी लिया जाता है क्या, टोरोजन, जो टॉर्जन होने वाला है क्या हम उसको भी स्पेसिफाइड करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में आपका डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा, ये सब आते हैं, ठीक है। मतलब जब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करते हैं तो हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे काम करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे काम करते हैं, जो आपकी कॉन्क्रीट के लिए 1.5 होता है और जो आपकी स्टील के केस में 1.15 होता है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल फैक्टर सेफ्टी। पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, लोड के लिए भी, हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, आपकी कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ के लिए, मतलब मटेरियल के लिए भी यूज करेंगे, इसलिए हम इसको पार्शियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन हो गया, यस सर करते हैं, वाइब्रेशन डिफ्लेक्शन, हाँ ठीक है, वाइब्रेशन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ये सब क्रैकिंग हो गई, ये सब किसमें आता है, इसमें आता है, ये बातों सेम आ गई। अब आपको आईएस 4 में एक टेबल दे रखी है और बहुत सारे बच्चों को टेबल याद नहीं होती है, मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। वो कैसे, जब भी आपका डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड ये अलग अलग आए, ठीक है, अलग अलग आए तो हमेशा अलग अलग, ठीक है, मतलब इनकी कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है इनका, अलग अलग घूम रहे हैं तो क्या होगा, दैट इज 1.5 होगा यदि ये अलग अलग घूमे, यदि ये इन दोनों में साथ में घूमे, डेड लोड लाइव लोड साथ में घूमे, ठीक है, या फिर लाइव लोड विंड लोड साथ में घूमे, तो फिर क्या होगा, फिर भी सेम ही रहेंगे, ठीक है, 1.5 और 1.5। ये मैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा हूं, लेकिन यदि आपके तीनों साथ में आ जाए, डेड लोड ये हो गया, ये हो गया और ये, तो आपको पता चल गया, यदि आपके डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, हम कह लेते हैं जो विंड लोड है अर्थक्वेक लोड है उसमें से जो बड़ी वैल्यू होती है हम हमेशा उस पर काम करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, फिर आपका 1.2 हो जाएगा, दैट इज 1.2, ठीक है, बात समय सभी को, समय में आ रही है नहीं आ रही है बताओ जल्दी से, ठीक। अब दूसरा, यदि आप लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे काम करते हो, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पे काम करते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन जैसे ही यहां पे आपके पास क्या हो, डेड लोड प्लस लाइव लोड
प्लस अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, जो बड़ा होगा उनमें से आएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है 1, और ये दोनों वैल्यू आपकी 0.8 हो जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान दें। तो इसको आप हमेशा याद रखना, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। यदि तीनों लेके चलेंगे तो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड में आपका 1.2 आएगा हमेशा, ये आपका 1.5 आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इनमें से, और यहां से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये आप ध्यान रखिए। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हम है ना लिमिट स्टेट कोलैप्स में 0.9 भी लेते हैं, आपके डेड लोड के केस में 0.9 भी लेते हैं। ये 0.9 कहां से आता है कोई बताएगा मुझे? डेड लोड के केस में 0.9 वैल्यू भी ली जाती है, कहां से आया? तो बेटा ये जो 0.9 आता है, ये आपके रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से आता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से आता है इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, आपको दे रखी है इसको मैं टेबल, आप उसको पढ़ लेना, लेकिन ऐसे याद करोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको पता है तीनों साथ आएंगे तो 1.2 ही रहेगा, अलग अलग आएंगे तो 1.5 ही रहेगा, दो साथ आएंगे तब भी आपका 1.5 रहेगा। ऐसे याद करोगे तो चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब आपकी रिवर्सल स्ट्रेस होती है, मतलब अर्थक्वेक आ गया, जहां पे आपका कंप्रेशन थे वहां पे टेंशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्सल स्ट्रेसेस हो सकती है, हो सकती है, तो वहां पे आपका डेड लोड की वैल्यू कम हो सकती है, डेड वैल्यू इज 0.9। ठीक है, अब बताओ कैसे क्या है इसका। तो देखो यहां पे क्या है, 1 डेड लोड, 1.2 गलत हो गया, 1.5 ठीक है, 0.9 1.5 ये बता चुका, 0.9 कब लेना है, सही है। ठीक, 1.2 में तीनों आ गए, सही है, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। अब सी देखो जरा ध्यान से, दोनों आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ये कैसे ले लिया तुमने, गलत हो गया ये तो, है ना। देखो आप इसमें छांट लो, आप एलिमिनेशन कर सकते हो अपने आप ही। फिर देखो क्या किया इसने, तीनों में से लिख दिया 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड ले लिया, और यहां पे 0.9 डेड लोड, क्या ये ऑप्शन भी सही है डी वाला, क्या डी ऑप्शन भी सही है, बोलिए जो डी ऑप्शन है क्या वो सही है या नहीं है। डी ऑप्शन बोलिए, देख के बताओ अपने आप, नहीं, क्यों भाई, क्या गलती है उसमें, क्या गलती है बता दो जल्दी से, क्या गलती है इसमें, क्विकली बताओ। बी और डी दोनों सही है, नहीं सही है, बताओ क्या गलती है इसमें। सर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाँ करना पड़ेगा आपको इंक्रीमेंट। तो क्या होता है, जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं ना, वो हम लेते हैं लोडिंग कंडीशन पे, कि आपका जो लोड है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस पे उल्टा हो जाता है, जहां पे कंप्रेशन वहां पे टेंशन होता है, तो हम इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आपने कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चले। ठीक है, अरे बोल दो जल्दी से भाई, 0.9 1.5 ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, 1.5 लाइव लोड ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड ये ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं इसको भी, और ये क्या है 1.5 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड, तो डी ऑप्शन भी सही लग रहा है, डी ऑप्शन भी सही तो लग रहा है, सही लग रहा है डी ऑप्शन। 1. डेड लोड भी ले लिया हमने, 1.5 लाइव लोड, 1.5 हाँ सही तो लग रहा है। ठीक है, तो सही लग रहा है देखने में, तो यदि दोनों साथ में भी आएंगे तब भी आपका 1.5 ही रहेगा, 0.8 होगा, 0.8 कहाँ होता है, ठीक है, 1.2 नहीं आएगा विंड लोड में, क्यों नहीं आएगा 1.2 बेटा, विंड लोड में 1.2 क्यों नहीं आएगा, यदि हम हाँ एक बात यहां पे समझनी है ध्यान से, देखो ये क्या है आपके पास, यहां पे 1.2 तो आना ही है, डेड लोड में भी, लाइव लोड में भी और विंड लोड में भी, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, यदि आप तीनों लेके चलेंगे तो 1.2 तो लगाएंगे, यहां पे 1.5 डेड लोड ले रहे हैं, 1.5 विंड लोड ले रहे हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, नहीं होगा क्यों नहीं होगा, फालतू की बकवास। तो आंसर क्या है इसका, बी और डी दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट करिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।
बी सही है, डी गलत है। तो डी में क्या गलती है बताओ सही मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे। द शियर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम विदाउट द शियर एनफोर्समेंट इज टाउ सो बीडी टाउ बी बीडी टाउ इसके टाउ सी बीडी। तो बताओ आंसर क्या है इसका। सेवंथ का ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। जो बच्चे सी बता रहे हैं ना उसको बता रहा हूं मैं क्या आंसर है उसका। देखो ये जो टाउ वी और टाउ सी हम बात कर रहे हैं, जब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप टाउ वी की बात करेंगे। आपने रेनफोर्समेंट उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि इन द आरसीसी विदाउट द शियर एनफोर्समेंट। यदि आपका विदाउट शियर एनफोर्समेंट होगा तो टाउ सी बी इंटू डी पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। यदि आपका रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया होता तो हमारी जो कैपेसिटी होती है फॉर डिजाइनिंग पर्पस दैट इज टाउ वी टाउ सी इंटू बी इंटू डी पे हम काम करते, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। यदि शेयर इन्फोर्समेंट होता तो फिर आपका ये होता, ठीक है। ओवरटर्निंग स्ट्रक्चर में केवल डेड लोड विंड लोड लेते हैं। हाँ एक चीज देखो यहां पे, एक चीज यहां पे लिखेंगे जो मैंने आपको ये बताया ना, एक बात ध्यान रखेंगे। यदि मैंने यहां पे ये लिखा था लाइव लोड और विंड लोड आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको ये बताया, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपका लाइव लोड और विंड लोड कभी साथ में आ सकता है क्या? कभी साथ में आ सकता है? नहीं आ सकता। जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, डेड लोड प्लस विंड लोड का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस इन दोनों केस में ये जो वैल्यू होगी ये दोनों 1.5 होगी, ठीक है, 1.5 ये आप ध्यान रखेंगे बस, और सब चीजें ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट करिए, क्वेश्चन नंबर एट करेंगे। बोला गया आफ्टर द टेंशन बार इन द कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट अप टू। यदि आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है और उसमें आपने डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड किया तो आप कहां पे प्रोवाइड करेंगे? मान लो ये आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, दैट इज योर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। आपने यहां पे ऐसा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, ऊपर साइड करेंगे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड यहां पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर टेंशन होगा। तो क्या होता है, हम एक्चुअली जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं इस पूरे में एलडी को प्रोवाइड करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखो क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ का मतलब क्या है? डेवलपमेंट लेंथ का मतलब ये होता है जब आप ऊपर से कोई लोड को ऐड कराएंगे तो वो लोड आपका यहां पे जाते जाके ऐड करेगा, तो इस वाले रेनफोर्समेंट में एक बॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगी और उस बॉन्डिंग स्ट्रेस की लेंथ कितनी है जो आपके इस रेनफोर्समेंट को रोक के रखेगी इस लोड की वजह से, और उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलडी, ठीक है। तो ये हम पूरी प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एलडी निकालने का? एलडी इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई इंटू फाइव डिवाइडेड बाई फोर टाओ बीडी। ये जो टाओ बीडी है इसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस। कोई मुझे बताएगा इस बॉन्ड स्ट्रेस का निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छे तो आप कर सकते हैं, 0.16 FCK की पावर 2/3, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द बॉन्ड स्ट्रेस। यदि आपके पास M20 है तो हम इसके अंदर पुट करके सीधे निकाल सकते हैं वैल्यू, ओके। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हम 60% इंक्रीज करते हैं फॉर द HYSD बार इन टेंशन, ठीक है। तो टाउ बीटी की वैल्यू आपकी 60% बढ़ जाती है यदि आपने हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार को यूज किया, ओके। दूसरा हम बात करेंगे, यदि आपने इसको 25% ऑफ दिस वैल्यू या 25% इंक्रीज इन कंप्रेशन में हम इसको 25% बढ़ा देते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टाउसी मैक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं बेटा मैं, फिर गलती कर रहे हो तुम। टाउसी मैक्स अलग होता है, टाउ बीडी अलग होता है, ठीक है। तो ये तब होगा जब आपका प्लेन बार आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन बार यूज कर रहे हैं, और प्लेन बार टेंशन में होगी तो जो आपकी टाउ बीटी की वैल्यू आप यूज कर रहे हैं उसी पे काम करना पड़ेगा। तो डिफरेंस है, डिफरेंस समझो तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे बेटा। ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
शुभम शर्मा, उसको लिख लो बेटा, प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी याद है। आप मेरी क्लास को कितनी बार देखते हो, ठीक है, कितनी बार देखते हो? कुछ बच्चे एक बार देखते होंगे बस, कुछ बच्चे दो बार देखते होंगे, लेकिन जिनका नंबर आ रहा है ना, वो क्लास को देखेंगे एक बार पर रिवाइज करेंगे 10 बार। अब उनका रिविजन तरीका क्या है वो उनसे पूछ लो। कुछ इनकी पीडीएफ निकाल लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, कुछ 2 टाइम्स स्पीड करके पढ़ लेते हैं 2-3 बार, कुछ इनको अपने नोट्स के अंदर लिख लेते हैं, तो वो चीज आपकी याद रहेगी एग्जाम में। ओके, पहले मुझे ये बताओ कि हुक को प्रोवाइड क्यों करते हैं हम, व्हाई वी प्रोवाइड हुक। आप आरसीसी पढ़ के आए हैं ना सब, तो बताओ हुक को क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, व्हाट इज द मेन कारण टू प्रोवाइड द हुक, बताओ जल्दी से। इतने मैं इसका पूरा एक अच्छा सा डायग्राम बना लूं है, इतने तो मुझे बताओगे। ये आपका स्टेट पोर्शन, ये इंक्लाइन और ये आपका स्टेट पोर्शन, एंड दैट वैल्यू इज 4π और ये वैल्यू भी आपकी 4π। ये आपका 90 डिग्री का बैंड है, ठीक है। यहां पे आपके पास वैल्यू होगी, इसको हम R5 बोलते हैं, R5, और इस R की वैल्यू आपकी 2 होती है इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, और इस R की वैल्यू 4 होती है इन द केस ऑफ HYSD बार। बोलो, रेनफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए, लोड को फुलफिल करने के लिए, एनकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट। बिल्कुल सही बात, वेरी नाइस। अहमद जी के लिए एक बार तालियां, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। आपके पास जो एनकरेज होने वाला है, एनकरेज क्या होता है, जब आप हुक को प्रोवाइड करते हैं उसका मेन कारण ये होता है कि जब आपका ऊपर से लोड लगेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ना हो जाए और आपका जो सैंपल है उसमें जो रेनफोर्समेंट है स्टील जो आपने प्रोवाइड किया है वो कहीं ना कहीं बाहर ना निकल जाए, तो हमें कुछ एनकरेज प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ हुक। हम हुक की सहायता से उसको प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप 90 डिग्री का बैंड यूज कर रहे हैं तो ये जो आपके पास आप स्ट्रेट पोर्शन होता है ये 4π होता है, ये स्ट्रेट पोर्शन होता है 4π होता है, तो दिस इज 4 टाइम्स द डायमीटर। सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो इसकी रेडियस होती है कितनी होती है, तो R इक्वल्स टू 2 होता है इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील, R की वैल्यू 4 होता है इन द केस ऑफ HYSD बार, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, यदि आप 180 डिग्री का हुक प्रोवाइड कर रहे हैं तो 180 डिग्री का हुक कैसा होता है, ऐसा होता है, ये आपका स्ट्रेट पोर्शन, ये आपका सर्कुलर पोर्शन और ये आपका फिर स्ट्रेट पोर्शन। ये आपका 180 डिग्री का बैंड है, ठीक है। यहां पे हम R5 को कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू भी आपकी R = 2 होगी या फिर R = 4 होगी। मुझे बताओ कि माइल्ड स्टील केस में R की वैल्यू 2 क्यों हुई, वाई R = 2 इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील एंड वाई R = 4 इन द केस ऑफ HYSD बार। हर चीज का मतलब होता है, रटना नहीं है, समझा के भेजूंगा, कभी गलती नहीं करोगे। कि R की वैल्यू 2 क्यों होती है, R की वैल्यू 4 क्यों होती है, क्यों होती है भाई माइल्ड स्टील केस में, क्यों होती है 4, क्यों होती है 2, या बस IAS कोड रिकमेंडेशन है सर, IAS कोड ने बोला है तो हम भी यही लिख के आएंगे, क्योंकि IAS कोड बोलता है तो हमें इसलिए ये लिखना है। कभी सोचा है ऐसे सर? हम नहीं सोच पाए। मोर ब्रिटल रजन मोदी, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, गॉड ब्लेस यू, मोर ब्रिटल। माइल्ड स्टील ज्यादा डक्टाइल है इसलिए, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है यहां पे, क्या है कि जो माइल्ड स्टील है वो ज्यादा डक्टाइल है, और जब डक्टाइल मटेरियल होता है तो क्या कर सकता है वो आपका ज्यादा बैंड कर सकता है, और जब ज्यादा बैंड करेगा तो इसमें बताओ कि जब ज्यादा बैंड करेगा तो आर की वैल्यू कम रख सकते हैं, हम आर की वैल्यू को और कम कर सकते हैं, लेकिन HYSD के बार के अंदर हमारे पास क्या होता है, डक्टिलिटी बहुत कम होती है, तो मेंबर को आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, ज्यादा उसको मोड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आर की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है इन द केस ऑफ HYSD बार में, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि HYSD बार में डक्टिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे आर की वैल्यू ज्यादा होती है, एंड दिस इज मोर क्या होगा इसके अंदर, मोर कार्बन कंटेंट मेक दिस मोर अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड
हार्डनेस, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि आर की वैल्यू क्या होती है, दो होती है, चार होती है, दो आपके माइनस स्टील में और एच वाई डिब्बा के केस में चार हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चलो, लैप लेंथ इन द कंप्रेशन शैल बी नॉट बी लेस देन, लैप लेंथ की बात करें जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होता है लैप लेंथ? मानो क्या है मेरे पास ये मेंबर है और यहां पे आपका रेनफोर्समेंट खत्म हो गया, दूसरे मेंबर को हम यहीं पे लगा देते हैं, चिपका देते हैं के साथ ही, तो क्या होता है ये आपकी लैप लेंथ है, दैट इज योर लैप। अब यदि आप लैप लेंथ कंप्रेशन में कर रहे हैं तो दैट वैल्यू इज 24 पाई एलडी और 24 पाई, इनमें हम प्रोवाइड करते हैं यदि आप कंप्रेशन में कर रहे हैं। और यदि आप टेंशन में कर रहे हैं तो टेंशन में भी क्या होता है, फ्लेक्चर होता है और डायरेक्ट टेंशन होता है। यदि आप फ्लेक्चर टेंशन में कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, फ्लेक्चर टेंशन में कर रहे हैं तो ये आपका एलडी और 35 हो जाएगा, ठीक है, 30 not 35, दिस इज 35, ठीक। यदि आप इसको डायरेक्ट टेंशन में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट टेंशन में काम कर रहे हैं तो दैट इज 2 LD और 35, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, यहां से भी क्वेश्चन बन, तो आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा यहां पे सी, एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इफ द बीम फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली। यदि आपकी जो बीम है वो बॉन्ड में फेल कर रही है, राम राम जी राम राम, बताओ, बोला गया आपसे इफ अ बीम फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय, जल्दी बोलो, बोले तो नजर, जो इसका आंसर डी दे रहे हैं ना, दे आर द वेरी स्मार्ट बॉय एंड गर्ल, ठीक है। तो बेटा नन ऑफ द अबव तो लिखा हुआ है, कहां तुम इतने परेशान हो रहे हो, जब क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो डी ऑप्शन होगा। हम क्या करते हैं, हम थिनर बार को यूज करते हैं, थिनर बार को यूज करते हैं लेकिन मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, जिससे आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। आपने थिनर बार को यूज किया, 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 और इससे क्या हो गया, आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, ये टाओ बीडी बढ़ गया, ये टाओ बीडी बढ़ गया, ये टाओ बीडी बढ़ गया, ये टाओ बीडी बढ़ गया। जब ये टाओ बीडी बढ़ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, मेंबर कभी भी आपका फेल नहीं होगा बॉन्ड। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पे थिनर बार यूज करेंगे बट मोर इन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन घुमाया, आप घूम गए, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया डी। मुझे एक बात तो बताओ, मेरे पास है ना एक मेंबर, एक मेरे पास क्या था, एक रेनफोर्समेंट बार थी, ठीक है, और उसका डायमीटर 5 था, ओके, और मैंने इसको अपनी बीम में यूज किया एज अ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मान लो ये आपके पास ऐसा सेक्शन है, मैंने इसको यूज किया है ना, ये आगे तक है, ठीक है, और यहां पे आपकी जो शियर स्ट्रेस है वो ऐसे डेवलप हो रही है। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, ऐसा को ऐसा है मेरे पास और यहां पे ऐसा टेंशन लग रहा है 0.87 FY, ठीक है, इनटू AST, ये लग रहा है मेरे पास, ओके। अब क्या होगा, ये जो मेंबर है ना ये फेल हो रहा है बॉन्ड में, मेंबर फेल इन बॉन्ड, फेल इन बॉन्ड। हमने क्या किया, हमने इसी मेंबर पे और बार लगा दी, ये छोटी बार लगा दी, एक दूसरी बार लगा दी, एक तीसरी बार लगा दी, एक चौथी बार लगा, ठीक है, और इनका जो डाया है वो आपको मैंने बताया 51 5 5 1 5 1 5 1 5, ऐसे मान लेना, सेम मैं यूज कर रहा हूं, ठीक, ये है। और इन पे मैंने टेंशन T1 T2 T3 और T4 यूज। क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूं, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मुझे यहां से कि यदि मैंने ये बार यूज की जहां पे मेरी मोर इन नंबर है तो यहां पे कुछ आपका AST भी आएगा ना, AST आएगा यहां पे कुछ आपका, ठीक है, और यहां पे कुछ AST आएगा, यहां पे ये मान लो मैंने AST 1 लिखा,
और इसको मैंने AST 2 लिखा। तो मुझे ये बताओ जो टोटल रेनफोर्समेंट की वैल्यू होगी, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, वो दोनों मेंबर में कितना कितना होगा? क्या आपका AST 1 AST 2 से बड़ा होगा या आपका AST 2 AST 1 से बड़ा होगा? कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, या फिर AST 1 आपका AST 2 के बराबर ही होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, सिंपल सवाल है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। यदि आपने थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो आपको पता होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में SM काम करते हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, आप बड़े ही थिनर मेंबर को यूज कर रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर को यूज कर रहे हैं जिससे आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बड़ी हुई आए, लेकिन आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आपने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ही चेंज कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा? यदि आपने ज्यादा रेनफोर्समेंट यूज करा तो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा सेक्शन, कम यूज करा तो फिर आपका ब्रिटल टाइप का फेलियर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों मेंबर में रेनफोर्समेंट सेम ही रखते हैं, ठीक है, सेम ही रखते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वाह वाह करेंगे। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। दैट इज बच्चा, बताओ इस बच्चे को जल्दी से कंप्लीट करो, ये तो हमारा पासवर्ड कर देगा। है पासवर्ड रोज, तू इंजीनियरिंग सीख रहा है, इंजीनियरिंग समझ में आ रही तेरी? आ रही है समझ में? कह रहा है सर मैं भी कर दूंगा तो क्वेश्चन को, हमारा पासवर्ड ही कर देगा। देखो आगे करने के लिए यही आ गया। चलो बताओ, द इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द एचएससी बार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी, तो इंक्रीज बाय द 60% इन टेंशन, ठीक है, टेंशन में, टेंशन में हम आपका 60% इंक्रीज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ये करिए क्वेश्चन में 30 करिए। क्वेश्चन में 13 करेंगे, द बियरिंग स्ट्रेस एट द बैंड फोर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि लिमिट स्टेट के केस में, कि लिमिट स्टेट के केस में कोई बात नहीं शर्मा जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करो अपना, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आप सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे। नहीं बबीता तो चली गई, अब हम मुझे छोड़ के, ठीक है, मैंने पासवर्ड को अपना अपना बना लिया है, ठीक है, लड़कों के प्यार ही अच्छे होते हैं, मतलब बबीता से तो लड़कों का प्यार ही ले लेता हूं मैं, ये मेरा बच्चा है, पासवर्ड ही अच्छा है, बबीता तो बेवफा निकली। द बियरिंग स्ट्रेस एट द बैंड फॉर द लिमिट स्टेट मेथड, बताओ जो बियरिंग स्ट्रेस होगी वो क्या होगी? तो ध्यान रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू आपके पास की बियरिंग स्ट्रेस आपके लिमिट स्टेट में 1.5 टाइम्स ज्यादा होती है इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो रट्टा मारो से, तो है ना, ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये तो ऑप्शन भी ढक दिया इन्होंने, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, टेंशन रेनफोर्समेंट पहले सवाल कर लो, पढ़ लो कुछ, ठीक है, फिर दिखाऊंगा पासवर्ड को, सवाल का उत्तर दो। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, टेंशन रेनफोर्समेंट बार आर रेक्टेंगुलर बीम आर कर्टेड इफ नॉट रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट, आर बेंट अप एट द सुटेबल प्लेसेस टू सर्व एज अ शियर रेनफोर्समेंट, आर बेंट अप डाउन एट द सुटेबल प्लेसेस टू सर्व द शियर रेनफोर्समेंट, आर मेंटेन्ड एट द बॉटम टू प्रोवाइड द लीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है? तो मैंने आपको हमेशा बताया कि बेंट अप बार को बेंट अप बोलते हैं, उसको बेंट डाउन नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि शियर को रेज करेगा वो, और हमेशा हम बेंट अप बार को ऐसे रेज करवाते हैं, ठीक है, ऐसा रेज करवा दिया, या फिर हमने ऐसा 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 रेज करवा दिया, तो क्या होती है, ये बेंट अप बार है, ये अप में रेनफोर्समेंट को शियर में रेज करेगी, हमेशा बेंट डाउन नहीं करती है, तो क्वेश्चन में बेंड डाउन दे रखा है तो ये तो होता ही नहीं है। और सब कर्टेनमेंट क्या होता है, जहां पे भी बेंडिंग मूवमेंट आपके मेंबर में कम आ रहा है तो वहां पे हम मेंबर को कर्टेल कर देते हैं, पर ध्यान रखेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 50% से ज्यादा हो तभी हम काम करेंगे, यदि मूवमेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है 50% से तो हम वहां पर कर्टेलमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, काटते हैं ये रेनफोर्समेंट। बिकॉज देखो क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से एक बार, मेरे पास ये मेंबर है,
दिस इज माय सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इस पे एक पी लोड एड कर रहा है पी। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर ये पी बाय टू हो जाएगा यदि आपके पास ये लेंथ एल बाय टू है और ये लेंथ आपकी एल बाय टू, ये भी आपका पी बाय टू हो जाएगा। तो यदि आप इसको डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पे है, बेंडिंग मोमेंट आपके मैक्सिमम सेंटर पे आया है, दैट इज द पीएल बाय फोर, पीएल बाय फोर आपका ये हो गया, ठीक है मैक्सिमम। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है क्या होगा कि यहां पे जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा क्या वहीं पे हम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। हम क्या करते हैं, हम बीम पे पूरी बीम पे रेनफोर्समेंट एक जैसा प्रोवाइड कर दिया। वाह 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 लाइट आ गई। जब हम छोटे थे ना ऐसे बोलते थे, जब घर में इन्वर्टर नहीं था ना तो हम ऐसे बोलते थे लाइट आ गई, एकदम लाइट आ गई, हम गोरे गोरे हो गए, फेयर लवली का कमाल है। चलो तो क्या हो गया, ये आप ध्यान रखेंगे पीएल बाय फोर दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट एंड यहाँ पे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा। क्या होगा, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हमें यहाँ प्रोवाइड करना है, लेकिन हमने सारे में कर दिया। तो इंजीनियर क्या होते हैं, इंजीनियर पैसा यहीं से बचाएंगे, वो क्या करेंगे रेनफोर्समेंट को ऐसे ही प्रोवाइड करो, जहां पे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहां पे ज्यादा रेनफोर्समेंट, और जहां पे बेंडिंग मोमेंट है ही नहीं वहां पे हम क्यों करें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड। बट दैट कैलकुलेशन एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ इजी टास्क। पैसा बचाना है तो मेहनत तो कम करनी पड़ेगी, ठीक है मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए हम बोल देते हैं कि यू हैव टू कर्टेलमेंट एट दैट पॉइंट। और कर्टेलमेंट ऐसे नहीं करते हैं कि मान लो ये मेंबर है हमने कर्टेल कर दिया, ये क्या है मेरे पास, इसको हम डी और 12 फाई बढ़ाते हैं, ठीक है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट है, दैट इज इसको हम बोलेंगे नॉमिनल कट ऑफ पॉइंट एनसीपी, और ये आपका एसीपी है। हम इसको हमेशा डी और 12 फाई से बढ़ाते हैं जिससे आपका मेंबर कभी ऐसे फेल ना हो जाए कि जैसे हमने इसको कर्टेल किया वहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो गया और मेंबर आपके बेंडिंग मोमेंट ज्यादा की वजह से आपने वहां पे कर्टेलमेंट कर दिया और सेक्शन फेल कर जाए। तो हमेशा कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं हमेशा। अरे पैसा किस बात का, कोई बात नहीं बेटा बन जाओ फिर पैसा ही पैसा है। ज्यादा नहीं बोल सकते, अभी मिलो तुम मुझे ऐप के अंदर तब बताता हूं तुम्हें। चलो द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट, क्या तो आप निकाल लो फॉर्मुले से, आपको मैंने फॉर्मुला दिया था अभी टाओ बीटी का फॉर्मुला दिया मैंने आपको, टाओ बीटी मेरे पास क्या होता है 0.16 एफ सीके की पावर 2/3, या फिर डायरेक्ट याद रखो M20 के लिए कितना होता है, M20 के लिए कितना होता है, इससे निकाल लो या तो M20 का, इससे भी सेम ही आएगा, वरना आप डायरेक्ट भी याद रखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है मैं तो निकाल लेता हूं इसलिए मैंने इसको लिख दिया ऐसा। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा सवाल है ये। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ठीक है इंजीनियरिंग एकेडमी सर ओडिशा में 421 पंचायत राय जेई की वैकेंसी आ रही है, बेटा करो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, यदि आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, क्योंकि तो आपको पता चल जाएगा इससे कि मुझे कितनी डेप्थ में जाना है, और मैं तो सारी चीज समझा भी रहा हूँ साथ में आपको, इससे क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन आएगा तो कुछ घुमा के आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं है, और आ गए तो आप फेल के आना उनको फिर कि तू आया कैसे एग्जाम में, ठीक है सबका नाम ले लूंगा अभी, क्वेश्चन कर लो है सबका नाम ले लू, बताओ आंसर क्या है इसका। तो क्या होता है, हम ये बताओ मुझे डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार हमने प्रोवाइड की, मान लो ये ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है दिस इज योर लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं डी डेप्थ, और ये आपकी होती है इंक्लाइंड लेंथ, इंक्लाइंड लेंथ। अब हमने इस पे इसको कुछ एंगल पे ही प्रोवाइड किया गया होगा, दैट इज योर 30 डिग्री एंगल, मान लो मैंने 30 डिग्री के एंगल पे इसे प्रोवाइड किया, तो क्या मैं ये निकाल सकता कि जो इंक्लाइंड लेंथ है वो कितनी होगी, निकाल सकता हूं कैसे, साइन 30 बताओ कितना होगा, साइन 30 इक्वल्स टू डी बाय इंक्लाइंड लेंथ, इंक्लाइंड लेंथ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और ये आपके पास हो जाएगा, ऐसा बोलू मैं इंक्लाइंड लेंथ
इज इक्वल्स टू 2D. क्या मैं इंक्लाइंड लेंथ को 2D मान लूं? 2D मान लूं. तो ये मेरे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ क्रेन हो गई जो हमने यहां पे प्रोवाइड किया. क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, द डिग्री क्रैंक बेंट अप बार द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द क्रैंक इज इक्वल टू. क्या इंक्लाइंड लेंथ यही होती है? क्या ये जो इंक्लाइंड लेंथ मैंने प्रोवाइड की, क्या यही प्रोवाइड की? जल्दी बोलो. जब क्वेश्चन में इंक्लाइंड लेंथ पूछी है तो क्या हम इस पे काम करेंगे? अरे बोल दो यार, यारो कुछ तो बोलो. अब मुझे बताओ ये क्या होती है? दैट इज योर प्रोजेक्टेड लेंथ. ये आपकी प्रोजेक्टेड लेंथ है, इसको हम प्रोजेक्टेड लेंथ बोलते हैं. मतलब इसका आप यदि एंगल लेंगे तब हम काम करें. तो क्वेश्चन में आपसे इंक्लाइंड पूछा है, इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द क्रैंक. तो इंक्लाइंड लेंथ तो यही है बेटा, दैट इज योर इंक्लाइंड लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू 2D. एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यदि ये पूछता कि इस इंक्लाइंड लेंथ का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना होता, तो फिर हम निकाल लेते उसको कैसे. टेन थर्टी क्या होता मेरे पास, डी अपॉन प्रोजेक्टेड लेंथ. तो जो प्रोजेक्टेड लेंथ होती है वो कितनी हो जाती, प्रोजेक्टेड लेंथ मेरे पास हो जाती d/√3 एंड दैट इक्वल्स टू 1.73 इंटू डी. ठीक है, तो इंक्लाइन पूछा है तो 2D पे लगाएंगे, है ना. 1.73 डट के आ गया, बस वही बताएंगे हर जगह. भगवान तनु बुद्धि दे. चलो क्वेश्चन 17 करिए. 17 डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? वेरी सिंपल सवाल, बच्चा सवाल. LD इक्वल्स टू क्या होता है, 0.87 FY π/4 tau BD. तो डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाओ बी डी. जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इतनी आपकी आपके पास मेंबर के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी आपको डेवलपमेंट लेंथ कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते. ओके, तो आंसर क्या है इसका, आंसर देगा यहाँ पे डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 करिए. The total length of bar having a hook at both the ends. Bonding strength. Design. हाँ, bond stress बोल लो या bonding strength बोल लो, मतलब समझ जाओ आपकी एग्जाम में बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, श्रेया घोषाल के भाई, the total length of bar having a hook at the both the end. बहुत end पे hook लगे हुए हैं, यहां पे भी hook लगा हुआ है, यहां पे भी hook लगा हुआ है. तो द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग अ हुक कितना मानू मैं इसको, ये क्या होगा, कितना जाएगा ये मेरे पास, दैट इज योर 4π. ये आपका 4π हो गया इतना. ठीक है, ये भी आपका 4π हो गया इतना. और ये कितना हो गया, ये आपका एल डी मान लो, इसको एल मान लेता हूं, इसको मैं टोटल लेंथ एल मान लेता हूं. तो कितना आ रहा है आंसर, एल प्लस 18D आ रहा है. कैसे भाई, ये L क्या है, क्वेश्चन में क्या L दे रखा है, आपको समझा रखा है L क्या होता है इसमें, समझाया नहीं समझाया? समझा रखा है कुछ L के बारे में? कुछ नहीं बता रखा. तो L ये लेंथ होती है जहां से आपके मेंबर, जो आपका मेंबर है वो मेंबर जहां तक स्टेट होगा वहां तक हम L लेके चलते हैं, दैट इज योर L पार्ट. ये आपका L पार्ट होता है यहां से यहां तक का. ठीक है, तो 4π फिर हम इसे नहीं मानेंगे, इसका जो इंक्लाइंड पार्ट है इसको ही हम 4π मान लेंगे फिर. दैट इज योर 4π एंड दैट योर इंक्लाइंड पार्ट, दिस ऑल्सो कॉल्ड द 4π. ये आपकी 4π. तो जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी L प्लस के 8π होना चाहिए ऑप्शन में, तभी हम मानेंगे सही है वो. L प्लस के 8π होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसने बोला नहीं है कि जो बैंड बार आपको प्रोवाइड करनी है वो 180° में प्रोवाइड करनी है या फिर आपको 90° का बैंड करना है. तो बेसिकली हम 90° के बैंड पे काम करते हैं और इसलिए हम बोल देंगे दैट आंसर इज L प्लस के 90. सबसे पास में आंसर ये मैच कर रहा है,
तो ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 19 करिए। 19 द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड और द कंटिन्यूस बीम एनश्योर द लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड। क्या मतलब होता है लेटरल स्टेबिलिटी का? ठीक है, तो सिंपल आपको बताया कि जो लेटरल स्टेबिलिटी है आपका मेंबर देखो ऐसे फेल नहीं कर रहा। ठीक है, मान लो मेरे पास मेंबर थे दो, एक मेरा मेंबर ये है और एक मेंबर मेरे पास ये। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे बनाओ जो लगे कि हाँ कुछ बनाया है। ये मेंबर हो गया, ये मेंबर हो गया। ठीक है, ऐसा मेंबर बना लग रहा है आपको मेंबर से देखने में। दो मेंबर यहां पे जुड़े हुए हैं एक साथ। अब मान लो कि आपका जो मेंबर है वो इस वाले डायरेक्शन में फेल नहीं कर रहा लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके लेटरल डायरेक्शन में फेल कर जाए, तो हम हमेशा लेटरल स्टेबिलिटी को भी चेक करते हैं बीम की, कि जहां पे मेंबर जुड़े हुए हों वहां पे मेंबर के अंदर कोई भी लेटरल इनस्टेबिलिटी ना हो जाए तो वो चेक करते हैं। यदि आपकी जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है तो हम यूज करते हैं 60B और 250B² D। इनमें से जो वैल्यू आपकी लेस होगी हम उस पर काम करेंगे। यदि हम बात करते हैं कंटिन्यूस बीम, इसके कैंटिलीवर बीम के केस में बात करते हैं, कैंटिलीवर के बीम के केस में बात करते हैं, तो यही वैल्यू आपकी हो जाती है 25B और 100B² D। ठीक है, इनमें से जो वैल्यू लेस होगी हम उस पर काम करेंगे। ये सिंपली सपोर्टेड केस में, कॉन्टिन्यूस बीम के केस में, दोनों के दोनों केस में हम क्या करेंगे, यही यूज करते हैं 60B और 250B² D। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए 20 करिए। क्वेश्चन कर लो यार, आज कितने क्वेश्चन होंगे? क्यों भाई, कोई देखने वाला आ रहा है? शादी हो रही है तुम्हारी, मुझे नहीं बुलाओगे क्यों आलोक जी? एक आलोक है, एक तिवारी जी हमारे। तिवारी जी क्या हो गया, घर वाले इस तरह कर दिया? मिठाई खिला दो यार, फिर शादी हो रही है तुम्हारी, तो बहुत जल्दी है इनको जाने की। नेक्स्ट करते हैं। इन डबली रेनफोर्स सेक्शन द टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, किसका होगा 60 है 20। क्या बात कर दी तुमने बेटा, 20² D होता है, 20² D होता है, 20² नॉट D² D। ये भी गलती कर रहे हो, बताओ। इन डबली रेनफोर्स सेक्शन, डबली रेनफोर्समेंट क्या होता है? आपके पास ये मेंबर, आपने रेनफोर्समेंट यहां भी प्रोवाइड किया, आपने रेनफोर्समेंट यहां भी प्रोवाइड किया। ये आपका यहां से यहां तक का डी डैश है और ये आपका यहां पे यहां तक का डी है, डी इफेक्टिव। ठीक है, डी डैश इफेक्टिव। अब मुझे बताओ कि डबल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो मेंबर है वो ज्यादा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो टेंशन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं दैट मैक्सिमम इज 4% ऑफ बी इंटू डी, कैपिटल डी होता है यहां पर। ठीक है, और ये भी आपका 4% ऑफ बी इंटू कैपिटल डी होता है। ठीक है, तो यदि मैं टोटल की बात करूंगा, टोटल रेनफोर्समेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे टोटल रेनफोर्समेंट इज इक्वल्स टू 8% ऑफ बी इंटू कैपिटल डी। जो कैपिटल डी होता है वो आपके पास स्मॉल डी, जो आपका डी इफेक्टिव है, प्लस क्लियर कवर जो आप लेके चल रहे हैं वो। ठीक है, यहां से यहां तक का मेंबर और साथ में आपका स्टीरअप, स्टीरअप प्लस 5/2, इसी को हम जब ऐड करते हैं तो आपकी टोटल मेंबर की डेप्थ आती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हाँ, व्हेन द बीम सेक्शन एंड बीम साइज इज रेस्ट्रिक्टेड, आपका जब साइज रेस्ट्रिक्टेड होता है तभी हम काम करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करो। नहीं, अब मुझे बताओ एक बार, जब हम बोलते हैं कि डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड है, क्या आपकी विड्थ कभी रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती? क्या हमेशा डेप्थ ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगी? बताइए जरा एक बार मुझे, जैसे आपका डेप्थ हम रेस्ट्रिक्शन में लाते हैं, क्या विड्थ भी तो हो सकती है ऐसी, पर हमेशा हम डेप्थ पे काम करते हैं? हाउ एंड व्हाई? सही पढ़ा रहा हूं मैं आपको आरसीसी, क्योंकि मेरा तो अब सेकंड टाइम है आरसीसी यहां पढ़ाने का। आप आज तक आप सिर्फ सौरभ सर से पढ़े हैं आरसीसी, बट हम पढ़े हुए सब हैं, कॉलेज में भी हमने सब पढ़ा है, फिर हमने कॉम्पिटिशन में भी सब पढ़ा है। बस वही होता है कि थोड़ा टाइम हो गया था पढ़ा हुआ, तो मैंने फिर दोबारा से पढ़ लिया। द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस।
अब देखो दो होता है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है, ये क्या है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अब ये जो मैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करेंगे, हाँ आ रहे हैं वो, अभी इनको टाइम लगेगा पर ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो क्या होता है, यदि मैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करूं तो यहां पे आपने स्टीरअप को प्रोवाइड किया गया होगा ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे टाई कर दिया होगा ठीक। और यदि मैं इसकी स्पेसिंग की बात करूं, दैट यू आर स्पेसिंग, तो ये जो स्पेसिंग है हॉरिजॉन्टल इज नॉट लेस देन, कितने से लेस देन नहीं होनी चाहिए, जो आपका डायमीटर ऑफ थिकम बार एफ थिक, जो थिकर बार है वो, और जो आपका नॉमिनल साइज यूज कर रहे हैं आप एग्रीगेट का, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, ये तो क्या होता है, ये हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इन दोनों में से किसी पे नहीं होना चाहिए ठीक है, इन दोनों में से स्पेसिंग इन दोनों से में से किसी से भी कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा इनमें से बड़ी वैल्यू पे काम करें ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है। मैं पूछूं वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होगी, ये मेंबर है ठीक है, यहां पे आपने ऐसे स्टीरअप प्रोवाइड करी होगी, ये आपकी स्टीरअप्स है ठीक है, आपने इसको ऐसे टाई करा होगा, ऐसे टाई कराओ, दैट इज योर स्टीरअप्स ठीक है। अब यहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, ये आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, और ये आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड। अब मैं आपसे पूछूं ये जो आपके पास स्पेसिंग है वर्टिकल, ये किससे कम नहीं होनी चाहिए, दोनों बता दूं एक बार में, ये ना क्योंकि दोनों में से कुछ ही पूछ ले एग्जाम में, तो दिस स्पेसिंग इज नॉट लेस देन 15 mm, 2/3, 2/3 किसका लेंगे हम, दिस 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस, साथ में क्या ले सकते हैं, साथ में ले सकते हैं डाया ऑफ थिकर बार, डाया ऑफ थिकर ठीक है, इनमें से किसी को ले सकते, गॉट इट। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, मन प्रसन्न हो गया सुन के ठीक है। तो दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, नॉट लेस देन लिखा हुआ बेटा, इससे कम तो होनी चाहिए स्पेसिंग, हमेशा इससे बड़ी स्पेसिंग पे काम करेंगे ठीक है, ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसिडर्ड एज अ डीप इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ, स्पैन बाय डी, सिंपल सवाल है तो यार, स्पैन बाय डी इज लेस देन 2 इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड स्पैन बाय डी इज लेस देन 2.5 इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम ठीक है। यदि आपके स्पैन बाय डी की वैल्यू लेस देन 2 आ रही है तो हम बोलेंगे डीप बीम है, और स्पैन बाय डी की वैल्यू आपकी 2.5 आ रही है तो हम बोलेंगे कि आपकी कॉन्टिन्यूस बीम भी डीप। मुझे बताओ कि जो डीप बीम होती है उसको हम किसके लिए डिजाइन करते हैं, डीप बीम डिजाइन फॉर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, या दोनों के लिए करते हैं, शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट, या दोनों के लिए करते हैं, या एक के लिए करते हैं। तो ध्यान रखें डीप बीम आर डिजाइन फॉर बोथ, हम बेंडिंग मोमेंट भी चेक करते हैं, शियर फोर्स भी चेक करते हैं, लेकिन डिजाइन बेंडिंग मोमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो चेकिंग की जा रही है वो शियर फोर्स के लिए की जा रही है। यदि आपके ऑप्शन में दोनों हैं, बेंडिंग मोमेंट भी है, शियर फोर्स भी है, तो आप दोनों लगा के आएंगे। यदि आपके ऑप्शन में अलग अलग दे रखा है तो डिजाइन हमेशा बेंडिंग मोमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको जो चेकिंग की जाती है वो शियर फोर्स के थ्रू की जाती है, कि कहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, कहां पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या है इसका, स्पैन बाय डी 2, एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए 23 करिए, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट एंड द शियर कोफिशिएंट फॉर द कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज पर द आईएस कोड 456 टेबल नंबर 2013 मे बी यूज ऑनली व्हेन द स्पैन डू नॉट डिफर टू द लॉन्गेस्ट स्पैन। आप जो डिफरेंट कॉन्टिन्यूस बीम के केस में आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू
बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, 1/12, 1/16, 0.9, 0.8, ये सब वैल्यू दे रखी है फलाना फलाना। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये कब यूज करेंगे, जब आपका जो स्पैन है वो लॉन्गेस्ट स्पैन से कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाईएस्ट कोड बोलता है हम तभी यूज करेंगे जब आपका कोई भी स्पैन 15% से ज्यादा डिफेंड ना कर रहा हो आपके लॉन्गेस्ट स्पैन के साथ। ठीक है, तो दिस इज 15% एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 24 करिए। क्वेश्चन नंबर 24, धन्यवाद धन्यवाद। ए टी बीम बिहेव एज अ रेक्टेंगुलर बीम विथ इक्वल्स टू इट्स फ्लैंज इंटरलैक्सिस। देखो ये मेरे पास टी बीम है, दिस इज माय टी बीम, और इस टी बीम में आपकी नोडल एक्सिस यहां भी लाई कर सकती है, आपकी नोडल एक्सिस यहां भी लाई कर सकती है, आपकी नोडल एक्सिस यहां भी लाई कर सकती है। तो इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन, और ये जो डिपेंड करता है ये आपके पास क्या है, ये आपकी विड्थ ऑफ फ्लैंज है, दिस इज योर डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, और ये आपके पास क्या है यहां से सेक्शन की, दैट इज योर डी, जो डेप्थ ऑफ वेब है। तो ध्यान रखेंगे यदि आपकी जो फ्लैंज है, यदि आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपके विद इन द फ्लैंज लाई कर रही है, तो इसको हम यूज करते हैं, इट इज डिजाइन एज रेक्टेंगुलर बीम, इसको हम रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे का एरिया होगा, न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे का एरिया होगा वो सब आपका टेंशन होगा, और टेंशन में आप सेक्शन को जो कॉन्क्रीट इन टेंशन में हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, कि जो कॉन्क्रीट होगी टेंशन में उसको नेगलेक्ट कर दो, ऊपर के सेक्शन पे काम करो, एंड इट इज बिहेव लाइक अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। यदि यहां पे होगा तो फिर हम चेक करते हैं वैल्यू पे, जहां पे वाई एफ की वैल्यू आती है, डीएफ बाई डी के रेशियो पे डिपेंड करता है कि ये 0.2 से 0.7 के बीच में लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड दिस इज द अदर कंडीशन। ठीक है, तो मैंने आपको एक पॉडकास्टिंग दे दी कैसे करते हैं उसके अंदर, तो इट इज फॉल विद इन द फ्लैंज, तो ए इस आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, होमवर्क, और मुझे बताएंगे रिप्ड स्लैब के बारे में कुछ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। जब आप रिप्ड स्लैब यूज करते हैं, ठीक है, तो स्पेसिंग कितनी होती है पहले तो ये बताओ, एग्रीगेट कितना यूज करते हैं ये बताओ, ठीक है, और जो इसमें हम रिप्ड स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट जो का जो डाया यूज करते हैं कितना यूज करते हैं, ये वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, आपके होमवर्क देके जा रहा हूं मैं। रिप स्लैब कुछ नहीं होती, उसमें जो आपके पास वेब होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, इट इज लाइक दैट, वो आपका जो वेब होगा वो ऐसा होगा, ये होती है खासियत रिप स्लैब की, जो हम यूज करते हैं बेसिकली जब हमें ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कि सिनेमा हॉल में लगे होते हैं रिप स्लैब, ठीक है सर, ईएससी करवा दीजिए बेटा, ये कर ले पहले पूरे एक बार, ईएससी में बोलना है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी चुका हूं पहले भी, पर मैं करवाऊंगा, मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कर लो क्योंकि उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ओके, तो ये थी आपकी आज की क्लास, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, एवर एग्जाम टैग पर इसकी जो पीडीएफ है वो आपकी अपलोड हो जाएगी, उसको आप चेक कर लेना। आपके लिए कुछ लाया था मैं आज, ठीक है, पर मैं करवा नहीं पाया, पर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये आपका मोटिवेशन है आज का, जो मोटिवेशन है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, दैट इज द कंडीशन। जब एग्जाम में ना 5 मिनट्स बचे होते हैं तो हमारा मुंह ऐसे होता है कि सब कुछ खा जाऊंगा मैं एग्जाम का, ठीक है, तो एक तो इसको हैंडल करना है कि जब हम लास्ट मिनट में होंगे ना तो मैं ऐसा ना कर रहे हूं एग्जाम में बैठ के, करते ना सब, आपने देखा होगा आशीष चंचलानी की वीडियो है, धुएं निकल गए हैं। दूसरा क्या है, ये होती है सेल्फ स्टडी, क्या आप भी करते हैं सेल्फ स्टडी, हाँ, सुट्टा स्टडी बोलते हैं इसको, सेल्फ स्टडी नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी कहाँ है, दैट इज योर ग्रुप स्टडी, बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं, ये देखो क्या हो रही है स्टडी, मतलब ये है कि जो अभी क्लास में है भी नहीं वो भी पढ़ रहा है साथ में तुम्हारे, तो इनसे बचना है। हाँ, मैं कल आपको समझाऊंगा पूरा पूरा कि जो आपका रिप्स लेवल है वो क्या होता है।
तो इन दोनों से बचना है आपको। आज की जो मैं मेरी जो एडवाइस है वो ये है, ग्रुप स्टडी करो लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर करो। ऐसा ना हो कि आप ग्रुप स्टडी करते रह गए, किसी से फॉर्मूले पूछ लीजिए, कोई फॉर्मूले बता रहा है आपसे, है ना, ऐसे स्टडी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो एक टाइम रेंज रखिए, वरना ग्रुप स्टडी कुछ नहीं है। एक हाथ में सिगरेट रखोगे, एक हाथ में रखोगे चाय, बस ये हो जाएगा जिंदगी, यही रहेगी और कुछ नहीं होगा। दूसरा, इससे बचना है कि लास्ट टाइम में आपका ऐसा हाल ना हो, जब एग्जाम में टाइम कम बचता है ना, तो हम यही काम करते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो लिख दो यार, क्या करूं मैं। तो इससे बचना है, इन दो चीजों को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये जो कंट्रोल होगा किससे होगा, वो कंट्रोल होगा आपके टेस्ट सीरीज से। आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, टाइम रेंज के अंदर लगाएंगे, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर वन का होमवर्क कल मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया था लेक्चर वन में, आई डोंट नो अंडरस्टैंड, ठीक है। सही बोला आपने, आप नहीं बताते हो, मैं बताऊंगा आपको। इस क्लास का जो मैंने आपको होमवर्क दिया है रेप्ड स्लैब के बारे में, सारी जानकारी मैं क्लास के अंदर दूंगा आपको। कल फिर मिलते हैं, ठीक है। कल हम मिलते हैं आपके 8 बजे, आप सबको आना है, आरसीसी के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।